हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स डिज़ाइन। आज का हमारा टॉपिक है, अगर आपने वर्केंसी में किसी कर्वेचर प्रोफाइल पर इनग्रेविंग करनी हो तो वो कैसे की जाएगी। पहले तो आप जिस भी कैड सॉफ्टवेयर में काम करते हो उसमें कर्वेचर बना के और जो लेटर्स आपने लिखने हैं वो लेटर्स लिख के उनको एक्सट्रूड सरफेस करके वर्केंसी में कॉल कर लीजिए। उसके बाद आइए देखते हैं आगे कैसे करना है। कंट्रोल एफ से फ्रंट, कंट्रोल टी से टॉप, कंट्रोल आर से राइट। आपने यहां जाना है हाइट पे, विंडो बना के राइट क्लिक हाइट। उसके बाद आप यहां से इसको नाम दे सकते हो, आप इसको कर्वेचर रख लीजिए, क्रिएट ओके। कर्वेचर को हाइड किया, उसके बाद यहां से आप रिकॉल कर सकते हो कंट्रोल एफ। उसके बाद आपने डेल का बटन दबाना है, इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, सॉरी मैं यहां पे गलत कर गया, कंट्रोल जेड, यहां पे अंडू कीजिए। यहां पे पहले आपने ये कमांड लेनी है, ये अगर आपने बीच में देखो तो बीच में जाके ये यहाँ पड़ी हुई है, विंडो बना के ओके करना है। अब आपने लेना है डिलीट का बटन, आपने नीचे वाला सिलेक्ट किया, राइट क्लिक और ये नीचे वाला डिलीट हो गया। उसके बाद आपने कर्वेचर कॉल कर लेना है। उसके बाद आपने ना ट्रांसफॉर्म में प्रोजेक्ट कर्व्स ऑन सरफेसेस, ये पूछ रहा कौन सी सरफेस, ये वाली, उसके बाद राइट क्लिक, उसके बाद विंडो बना के कर्व्स आपने जेड एक्सिस करना है, ओके। ये देखिए आपके ये कर्वेचर के बिल्कुल उसके साथ मैच कर गए। अब आप कंट्रोल एफ करके डेल का बटन दबा के ऊपर वाले को डिलीट कर सकते हो। अब यहाँ पे आप इसका नाम दे दीजिए, कंट्रोल दबा के राइट क्लिक, ये हमने लेटर्स लिख दिए, क्रिएट ओके। उसके बाद इसको करिए सेव। अब चलते हैं इसके वर्क जोन में, उसके लिए मैं पहले वीडियो को पॉज कर लेता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। तो ये देखिए हम यहाँ पे आ गए इसके वर्क जोन में, यहाँ से आप क्रिएटर को शो हाइड कर सकते हो। अब आपने जाना प्रिपरेशन पे, यहाँ पे लेटर्स ये शो हो रहे हैं, यहाँ से इसको कर दीजिए हाइड और इस कमांड को लेके मूव कर्व्स में इसको सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक, आप कोई भी नाम दे दीजिए, मान लो इसमें लेट्स दे दिया, उसके बाद किया ओके। अब हमने क्या करना है, हमने जाना सीधा टूल पाथ कमांड्स में, टू एक्सिस टूल पाथ में जाके ऑन कर्व इंग्रेविंग। ये वर्केंसी की बहुत ही अच्छी कमांड है और बहुत ही यूजफुल है इंग्रेविंग में। यहाँ पे आप कोई भी कटर मेंशन कर दो, मैंने एक का फ्लैट कर दिया ओके। यहाँ पे जीरो, यहाँ पे दो का कर देते, क्योंकि इंग्रेविंग के लिए तो आपको फोर साइड डिग्री वाला कटर या टू साइड हाफ कटर बनाना पड़ेगा। वो जो इंग्रेविंग करते हैं उनको अच्छी तरह से पता है कौन से कटर बनाने हैं। आरपीएम इस पर आप अपनी मशीन के हिसाब से, कटर के हिसाब से दे सकते हो। चलो मैं यहाँ पे 6000 ले लेता हूँ, स्पीड इस पर कम ही रखिए 800, अप्रोच फील्ड इसके हाफ ओके। टॉलरेंस देखिए, यहाँ पे टॉलरेंस कम रखोगे, जितना टॉलरेंस कम रखोगे उतनी आपकी इंजीनियरिंग बढ़ जाएगी, यहाँ पे 0.004। उसके बाद आपने जाना है यहाँ पे जेड ऑफ कर्व्स वन पास, यहाँ पे आपने करना मल्टी पासिस, यहाँ पे आपने टूल पास स्टार्ट ऑन द कर्व। टोटल मशीनिंग डेप्थ हम दे रहे हैं 0.5 और एक बार में कितना जाना 0.05 चास मैग ले लेते हैं, इसको किया ओके। उसके बाद कर्व्स में जाके यहाँ पे जाके आपने लेट्स वाले को ओके करके ओके कर देना। अब यहाँ पे एक आ रहा कट लिंक डिस्टेंस, ये कट लिंक डिस्टेंस क्या है,
जिनको नहीं पता उनको बता दूं, ये वो डिस्टेंस है कि इतने डिस्टेंस के बाद अगर आपके मॉडल में मतलब 10 के ऊपर डिस्टेंस होगा तो आपका कटर उठ के चलेगा। इंग्रेविंग में क्या होता है, अगर ये 10 दोगे तो वो यूजफुल नहीं रहेगा, आपकी लेटर्स खराब हो जाएंगे। यहाँ पे आप इसको 0.1 कर दीजिए, उसके बाद कीजिए ओके, उसके बाद कीजिए एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट। अब ये थोड़ी देर में अपना प्रोग्राम बन के रेडी हो जाएगा। ये देखिए मैं मॉडल को भी शो कर लेता हूँ, और अब देखिए ये इसको वायर फ्रेम करता हूँ, ये देखिए ये बिल्कुल कर्वेचर में बना है। आप इसको जैसे मैंने इसको और कर्वेचर को ऊपर को लिया है, या आप अंदर को करके भी बना सकते हो, स्पेशली जब एल्बो टीज वगैरह की डाइज लोग बनाते हैं तो वहाँ पे इस ऑप्शन से इंग्रेविंग करने का बहुत मज़ा आता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।